तो जय माता दी जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। कल इस चैनल पे वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा तबीयत खराब है तो शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो ये कुछ पिछले दिनों की क्लिप्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, तो उनको जोड़ जोड़ के मैंने एक वीडियो बना दी। सच्ची बात बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलती कभी नहीं। चलो चलो चलो, देखो सुबह सुबह में 5:30, देखो अंधेरा है। देखो इसको कितनी भूख लगी है। सबसे बड़ा सुकून है ये भगवान की दया से। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि बस ये भावना हमेशा रहे मेरे मन में। और अभी सुबह 5:30 बजे मैं उठी हूँ, जस्ट अभी उठी। मुंह नहीं दिखा रही हूँ आपको, बस आप अभी मैं पानी लगी थी गर्म करने, उतने को ये आ गई। अभी सभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग गन्नू के साथ खेल रहे थे। गन्नू ना धीरे धीरे मुझे पहचानने लगा है, मतलब वैसे नहीं पहचानता था, लेकिन इसको मैं ना आदत डाल रही हूँ पीछे चलने की। जैसे पीछे चलते हैं ना, तो अभी देखो मतलब अभी तो प्रैक्टिस काफी हो गई इसकी थोड़ी देर पहले से। ये देखो मैं इसको बोल के कर रही थी कि चला आजा पीछे, अब आप लगा इसको पता कि पीछे दौड़ते। ये मेरा नंदी, मेरा गन्नू है। देखो इसको भगवान करे, माता रानी करे, बिल्कुल स्वस्थ रहे। पर पता है उतना मतलब खाता पीता नहीं है ढंग से। मैं मोटी हूँ भाई, वो इन कपड़ों में ना वैसे भी कुछ मैं मोटी लग रही हूँ। और इस कुर्ते का मैंने अंत कर दिया, अब इसको मैंने मतलब ये बिल्कुल हो चुका था ना पहनने लायक, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये कॉटन में है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वो कपड़े। मेरा सांस नहीं में वो अटकता, नहीं तो मुझे ना घुटन जैसी होती है बाकी कपड़ों से। तो ये देखिए गन्नू यहाँ पे दौड़ भाग रहा था मेरे पीछे पीछे। मैंने इसको सिखाया आज के पीछे कैसे दौड़ते हैं। तो ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा गन्नू, बहुत प्यारा बच्चा। और अब ना मेरे को पहचानने लग गया, बस मेरे पीछे आता। और देखो साहिवाल में है, तो ये देखो जी मेरा गन्नू, आई लव यू गन्नू। गन्नू गन्नू अब मेरे को पहचानने लग गया। गन्नू आ जा, इसको हम खुला छोड़ देते हैं ताकि मतलब ये घूमे फिरे ना। और ये बिल्कुल सुस्त जैसा है अभी ना, चलता नहीं है वैसे ढंग से। खाने को जो ना गाय को रखा था ना, उसमें खाने को ढूंढ रहा है। इतना सा बच्चा है देखो। गन्नू, नंदी, बहुत सारे नाम रखे हैं इसके मैंने। कभी गन्नू बोलते हैं, कभी नंदी बोलते हैं। गन्नू इसको लगा देंगे हम फीड वगैरह, तेल, और अच्छी मतलब अच्छे तरह पालेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये ठीक रहे, बिल्कुल सही सलामत। इतनी मोटी मोटी टांगे हैं इसकी, पता है। ऐसा नहीं है कि अगर ठंड में ना, हमारे क्या होता है ना, यहाँ पर ठंड बर्फ़ वगैरह बहुत पड़ती है, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है वो चीज़। बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी ठंड पशुओं के ना, तब हो सकता है। बाकी अरे जो 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 नहीं, हे भगवान, जो जो नहीं, इसका क्या नाम है, गन्नू आ जा। वो किस तरह का है, वो कितने बड़े गड्ढे इन्होंने यहाँ पे कर रखे हैं। उसने पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। छोटे छोटे झरने, बाप रे, यहाँ तो एक्सीडेंट में पैर रखना पड़ेगा क्योंकि जो है ना यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे झरने कसम मिले, अरे भूल गई बाप रे बाप, मेरा ध्यान सिर्फ रोड पे है अभी। Thank you.
मुझे ना, मैं आपसे एक बात करती हूँ। आपने बोला सीट बेल्ट लगाई है, तो मैं यहीं पे जा रही हूँ, कोई दूर नहीं जा रही हूँ। पता है मुझे अपनी इस गाड़ी से ना बहुत प्यार है, हनी चलाता है, कहीं थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाता है ना तो मुझे ना जैसे आग लग जाती है और मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। तो मैं कभी इसको बेचने का नाम नहीं लेती, या कभी भी मतलब मेरे मन में ये कभी मैं ख्याल ही नहीं आता इस तरह का। बच्चे बोलते हैं मम्मी हम आगे ना, चलो बच्चों के ख्वाब है, उनमें कभी ये नहीं करना चाहिए ना, उनको कभी पीछे नहीं हटाना चाहिए कि नहीं हम नहीं ले सकते। मम्मी हनी की एक फेवरेट गाड़ी है, कौन सी बोलता है वो, अरे पता नहीं कौन सी है, एक वो काली काली जैसी होती है, ऊंची ऊंची होती है काफी, सफारी पता नहीं कौन सी है, जो भी है। तो बोलता मम्मी हमने ये लेनी, मैंने कहा तुम लोग जो मर्जी लेना, मैं तो अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत मुश्किलों से डाला है, बहुत मुश्किलों से, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कितनी तकलीफें थी उस टाइम, मतलब ऐसे ही बस गुंदक गुंदक में ले ली, ऐसे ही पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, और 3-4 साल तक मैंने जो संघर्ष किया इसके लिए, मैंने ना हस्बैंड से ना मैंने किसी और से मैंने 1 रुपया तक नहीं लिया अपनी गाड़ी को फ्री करवाने के लिए। तो मुझे इससे बहुत प्यार है, थोड़ा सा भी अगर इसमें मतलब ऊंची नीची हो जाती है ना तो मेरे को बहुत दुख होता है। तो इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बस ये तो खुंदक में हो गया था, क्योंकि मैं खुद की इंसान बहुत हूँ, मुझे कोई ये बोले ना कि तू ये नहीं कर सकती तो मैं वो काम तुम्हें मतलब करके दिखाती हूँ। खैर माता रानी की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे झुकने नहीं देती, और मेरी माँ जो है मुझे हर वो चीज़ सिखाती है, बताती है। चलो मैं पहुँच गई, मैं गाड़ी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो पीछे आपने क्लिप्स देखी ना, ये उस दिन के जिस दिन मीना घर में मीटिंग थी, तो थोड़ी थोड़ी रह गई थी ना डालने की, तो मैंने सब जोड़ दिया आज। पता नहीं आप लोगों ने पूरी क्लिप्स देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी, मुझे नहीं पता, स्किप मत करना, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स नहीं नहीं है आज, तो मतलब आज कंटिन्यूटी नहीं है कि मतलब शुरू से जो दिखाया लास्ट तक, ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच में से उठाए गए क्लिप। तो ये मैं उनके घर में गई थी जिनका ये मिट्टी का घर है, मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया भी था। तो ये है गांव के, ये बीमार हो गए, तो हमारे ऐसा होता है कि जैसे बुलाने जाते हैं बैठने जाते हैं, तो इनका ऑपरेशन हुआ है, और किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है मुझे नहीं पता और मैं बताना भी नहीं चाहती। तो इनके घर में हम गए थे बैठने यहाँ पे, ये देखो, और लकड़ी की देखो ये ऊपर पड़ी हुई है ना लकड़ी की, और ये पुराने जो टाइप के घर होते तो इस तरह से होते थे, एक एंट्री होती थी बीच में, ये इसको पौड़ा और बी बोलते थे, और ऊपर को पौड़ियाँ गई ऊपर वाली मंजिल को, बहुत अच्छा लगता था इस तरह का जो घर होते थे। और यहाँ पे ये रात के 8 बजे का टाइम है शायद, मैं और हनी काउशेड से जा रहे थे घर को, तो बहुत अंधेरा हो गया था, कुछ गाय को थी मतलब ऐसी प्रॉब्लम, तो हमने दवाई वगैरह दी, तो फिर हमें अंधेरा हो गया, हनी गाड़ी लेके चला गया था फिर पार, फिर ना हम ऊपर से गए मतलब जो रोड से बाई रोड है ना जो, तो वहाँ से गए। तो फिर मैंने सोचा चलो आपको रात का ना नज़ारा दिखा देती हूँ कि रात को कैसा दिखता है मतलब रोड हमारे इस तरह के, और ये देखो नीला नीला आसमान, थोड़ी थोड़ी चांदनी थी मतलब चांदनी रात थी, और साथ में ये मंदिर, तो इस तरह से, और बड़े उबड़ खाबड़ रोड हो चुके हैं हमारे बरसात में, तो मतलब ये सोचो आप कि हमारा ना जीना हराम हो जाता है, मतलब हमारी गाड़ियों को बहुत समस्या होती है, और फिर हम डरते हैं कि थोड़ी सी भी कहीं लग जाती है तो भाई काम बहुत महंगा होता है गाड़ियों का, आप लोगों को तो पता ही है। और ये देखिए यहाँ पे तारों तारे जैसे टिमा रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर आसमान में, और बहुत प्यारा सा एक वो होता है, तो मैंने बोला चलो दिन का तो हम हमेशा दिखाते हैं, डे का चलो आज रात का दिखाते हैं नज़ारा कि रात को कैसा दिखता है हमारा गांव, या यहाँ से जो है रोड हमारे और ये पहाड़ियाँ। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, और हाँ वीडियो को स्किप मत करना, आपके स्किप करने से कुछ हो जाता है, तो लाइक ज़रूर कर देना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और फिर मैं आपसे ना बाद में मिलती हूँ, ठीक है। Oh,
तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कौशट। वीडियो का भी मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, मजबूरी में बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक कर देना, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखाया है, जैसे लोग पता क्या कर आएंगे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो रील्स क्या बोलते हैं, रील्स बनाते हैं, पता क्या करते हैं, आएंगे लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। मैं तो नहीं है, मैंने तो कुछ दिखाया है, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कुछ नहीं दिखाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आज बहुत अच्छा दिख रहा था ना चारों तरफ से, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी नहीं कर रहे हो, आपने शुरू में बहुत ज़्यादा शेयर किया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जो हमारे थे जानने वाले उनको तो हम शेयर कर चुके हैं और किसको करें, कोई बात नहीं, आप लोग भी देखते हो मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो, जय माता दी, राम राम। और मेरा सिर घूम रहा है इसलिए मैंने सिर बांध रखा है, ठीक है। अभी हम मिल्किंग करेंगे और काम करेंगे कुछ। हाँ, आप पूछ रहे थे गाय ठीक आ गई, तो वैसे ठीक तो नहीं आई है, पर मतलब अभी भी करती है थोड़ा बहुत लात ऊपर नीचे, लेकिन आ जाएगी, देखते हैं। और गन्नू ठीक है, गन्नू को दिखाऊंगी कभी, ठीक है। तो जय माता दी।